अरे बस दया की तो जब भी जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है, हमेशा बहुत बढ़िया तैयार होती है और उससे मुझे भी थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उसका टक्कर में अच्छे कपड़े पहन के उसके साथ में चलूं, वरना लोग इसको ही देखते रहेंगे, मुझे कोई देखेगा ही नहीं। नहीं नहीं, टप्पू के पापा के गुण भी ऐसा है कि आपकी और नजर जाएगी ही। वैसे टप्पू के पापा का कोट देख सकते हैं आप, ऐसी डिजाइन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि राजा महाराजाओं के कोट में भी ऐसे डिजाइन नहीं थी, तो टप्पू के पापा मस्त लग रहे हैं। बहुत सारा नॉमिनेशन है, बेस्ट जोड़ी का है, बेस्ट मुसीबत का मारा है, ऐसे बहुत सारे अनोखे अनोखे अवार्ड है। तो पिछले साल भी हमने बहुत सारे अवार्ड जीते थे, आशा करते हैं इस साल भी हम बहुत सारे अवार्ड जीतेंगे। और अवार्ड के दरमियान बहुत बढ़िया एक आइटम भी मैं करने वाला हूँ, दया भी करने वाली है। बताना बताना मत, तो फिर उनको देखने दे, आप लोग देखिएगा 31 अगस्त को रात को 8 बजे। हाँ, अरे टीवी पर कौन सा सॉन्ग, ऐसा करके धीरे धीरे बोल रहे, देखो सब ऐसा थोड़ी बताएंगे, हम बताएंगे ना, आपको देखना पड़ेगा। राज की बात है, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अभी सब चीज लाइक माय फैमिली ओनली, मुझे ऐसा लगता है चाहे वो एनसीपीए में करे या कहीं और करे, आई हैव टू कम एंड इट्स वेरी नाइस एंड सारे लोग अच्छे हैं, सारी टीआरपी हाई है, सो माय बेस्ट विशेस टू सब टीवी और सारे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। पता नहीं, नेगेटिव काम कर करके मैं फेमस हो गई हूँ एंड आई ऑलवेज गेट स्केयर्ड कि बिकॉज आई एम डूइंग नेगेटिव रोल बच्चे मुझे पसंद नहीं करेंगे, बट यहाँ उल्टा हो जाता है, ऑल किड्स दे गेट स्केयर्ड ऑफ मी बट दे लव मी ऑल्सो, सो इट्स अ नाइस फीलिंग। आई डोंट नो, अभी तो मुझे पता नहीं है। आई केम टू प्रेजेंट द अवार्ड, तो अवार्ड देना जरूरी है एंड ऑल ऑफ यू विश मी हैप्पी बर्थडे, टुमारो इज माई बर्थडे, थैंक यू। आप पूछते जाओ, आप पूछिए। आज लापताकंज की जोड़ी पलटन एंड एक साथ आ गई है जी, तो कितने एक्साइटेड हैं आप सब लोग? भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्यों भाई? हां, मतलब क्या होता है, सबके अनोखे अवार्ड्स जो हैं वो पूरी उम्मीद है कि लापताकंज को जाएंगे ज्यादा, क्या कहते वाली जा? हां बिल्कुल सही, क्योंकि अनोखा है और लापताकंज भी अनोखा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अनोखे अवार्ड जो है अनोखे लोगों के पास ही आएंगे। वैसे अनोखे तो जो है सारे सीरियल हैं सब टीवी, हाँ, और सारे कलाकार भी अनोखे हैं, हाँ, लेकिन उसमें खास अनोखा कौन है ये आज पता लग जाएगा, चल जाएगा। क्यों, क्या कहते हो बिजी पांडे? अरे मैं पूरी एक्टिंग कर लेता हूं। बोलो बोलो बिजी। हाँ। बस अवार्ड मिलता रहे सबको, ये अनोखे यहाँ खड़े इनको मिल जाए, ये अनोखे इधर खड़े इनको मिल जाए, एक ये अनोखे इधर खड़े गुड्डू इनको मिल जाए, और ये एक नया अनोखा आया है बड़ा वाला अनोखा। बाकी कुछ अगर बचेगा तो देखते रहिए सबके अनोखे अवार्ड, बहुत बढ़िया, कुछ बच जाए तो हमको दे दियो। किस कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है? छिचोरा। हाँ हाँ हाँ,
तो हमको लगता है छिछोर पंथी में तुम आगे हैं, ये तो पहला नंबर अवार्ड हमको छिछोर पंथी में मिलेगा। थैंक यू, मतलब तेरे को यकीन है कि छिछोरे मिल जाएगा? अबे यार रोमांटिक आदमी क्या। थैंक यू, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये सबके अनोखे अवार्ड सच में बहुत अनोखे हैं। और जिस दिन से मैंने ये कैंपेन देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये जिस तरह इलेक्शन को लेके इन्होंने जो किया हुआ है, इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। और सबके अनोखे अवार्ड्स में हमेशा आपको बहुत सारा ह्यूमर मनोरंजन मिलता है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में मिलता है, वैसे इनको देख के आपको लगता है कि हाँ बहुत मज़ेदार। खाली एक ही है, वहाँ जो डिसीजन लेते हैं जिसका पेन हमको भुगतना पड़ता है वैसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ भी आंसू निकलेंगे, हंस हंस के निकलेंगे। तो ये सच में बहुत ही अनोखे अवार्ड्स है एंड वेरी एंटरटेनिंग। सबकी फैमिली में मेरे बहुत सारे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। तारक मेहता में बहुत सारे हैं, लापतागंज में बहुत सारे हैं, एफआईआर में हैं, चिड़ियाघर में हैं, एंड जीनी और जुजू बालवीर में बहुत सारे शोज़ इनके देखता होता। देखो इतने एक साथ सारे शोज़ के नाम भी मुझे याद है, तो सच में बहुत सारे अनोखे कैरेक्टर्स हैं। किसी एक दो के नाम लूँगा तो वहाँ स्टॉप नहीं होगा, बट कपल ऑफ माई वेरी फेवरेट एक्टर्स आर देयर। दिलीप जोशी इज़ देयर, परेश गनात्रा इज़ देयर, रोहित आशीष देयर, एंड दिशा वकान इज़ देयर, एंड सो मेनी अदर पीपल। इट्स फुल ऑफ वेरी गुड एक्टर्स। काफ़ी लोगों के साथ हमने भी काम किया है, कॉमेडी हमने बहुत करी है, कॉमेडी में है, तो बंच ऑफ वेरी गुड एक्टर्स या एक्साइटेड हूँ क्योंकि देबिना नॉमिनेट हुई है और देबिना ने 10 बार फ़ोन कर चुकी है कि कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो, और लेट ही हूँ मैं, इसलिए जल्दी से भाग के पहुँच रहा हूँ मैं। ऑफकोर्स सभी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन देबिना भी कम नहीं है, वो बिल्कुल टक्कर देने वाली है। देबिना का डांस बहुत फेमस है, वो गर्दन तो कुछ हिलाती है घर पे रोज, जब भी पहुंचती है तो मुझे भी वो बोलती है हिलाने के लिए, तो मैं गर्दन 2 बार टूट चुका हूँ। और नहीं, मैं बिल्कुल पहली बार ये अवार्ड देखने आ रहा हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और देबिना भी परफॉर्म करने वाली है, तो इसको मैं अब पहली बार देबिना को देखने जा रहा हूँ, तो वो भी बहुत नर्वस है, उसके साथ साथ मैं भी बहुत नर्वस हूँ। थैंक यू। दिल से करते हैं।